दोस्तों, नन्हे मुन्ने बच्चों की बोतल खरीदते समय हमें विशेष रूप से दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, जो बोतल हम बच्चों के लिए खरीद रहे हैं वो कंपनी की होनी चाहिए। कंपनी की बोतल दोस्तों थोड़ा महंगी पड़ती है, लेकिन वो सुरक्षित रहती है। और दूसरी बात का ये ख्याल रखना चाहिए कि जो हम बच्चों की बोतल खरीद रहे हैं वो BPA फ्री होनी चाहिए। अगर बोतल BPA फ्री नहीं होगी, बोतल को गर्म पानी से धुलते समय और उसमें गर्म दूध डालते समय दोस्तों जिस प्लास्टिक से बोतल बनी हुई है उस प्लास्टिक का हानिकारक केमिकल दूध में आ जाएगा। और जो भी बोतल हम खरीद रहे हैं वो ISI प्रमाणित होनी चाहिए। और एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि जो बोतल हम खरीद रहे हैं वो एंटी कोलिक सिस्टम की होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे जब बोतल से दूध पीते हैं तो दूध के साथ साथ उनके अंदर बोतल की गैस भी जाती है, दोस्तों बहुत ही हानिकारक है। एंटी कोलिक सिस्टम की बोतल की बनावट होगी, दूध के साथ पेट में गैस कम जाएगी। दोस्तों मैं अपने नाती के लिए ये दो ही बोतलों का प्रयोग करती हूँ, एक फिलिप्स की और एक विजन की। दोस्तों ये कंपनियां ऐसी हैं कि जो बच्चों की बोतल बनाते समय पूरा ध्यान रखते हैं। दोस्तों ये दो बोतलें हैं, एक फिलिप्स कंपनी की और एक विजन कंपनी की। दोस्तों ये दोनों बोतलें BPA फ्री हैं। दोस्तों दोनों बोतलों में ISI का मार्क भी है। अब दोस्तों बोतलों की बनावट पर ध्यान देते हैं। दोनों ही बोतल ये एंटी कोलिक की हैं। दोस्तों इन बोतलों से दूध पीते समय बच्चों के गैस पेट के अंदर कम जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि बोतल खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चों की बोतल कितने दिन में बदलनी चाहिए। यह भी आपको बताएंगे कि बच्चों की बोतल को किस तरीके से साफ करना चाहिए। ऐसी ही अच्छी बातें जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।